वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम डिवीजन देखेंगे कैसे करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने डिवीजन करने के डिफरेंट मेथड्स बताए, जैसे हम डिवीजन बाय मेकिंग सेट्स, सेकेंड डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमने डिवीजन किया था। आप चाहे तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आई बटन पे, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बाय मेकिंग सेट्स एंड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमें डिवीजन कैसे करना है। तो अब हम डिवीजन को, वी कैन ऑल्सो डिवाइड नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मैथड। तो लॉन्ग डिवीजन मैथड में हम करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मैथड टू टाइप्स से हो सकता है। एक जिसमें रिमाइंडर जीरो, मतलब हम किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाता है एक उस तरीके से, और कुछ नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन द डिविडेंड इज नॉट डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय द डिवाइजर एंड द नंबर लेफ्ट एट द एंड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर बचता है, उसमें कोई ना कोई नंबर लास्ट में बच जाता है। तो एक इस टाइप से करते हैं और एक जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो आज हम जो सीखेंगे उसमें हमारा रिमाइंडर जीरो होगा, मतलब जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब हम वो सीखेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिवाइडिंग विद अ रिमाइंडर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि डिवीजन में क्या क्या होता है। तो जो नंबर डिवाइड करता है, ठीक है ना, जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। जो नंबर डिवाइड होता है ना, बड़ा वाला नंबर, वो डिविडेंड होता है। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो क्वेश्चन होता है। और इनमें से अगर जो लेफ्ट बचता है, रिमेन रह जाता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो लेट अस नाउ डिवाइड 38 डिवाइडेड बाय 2। तो हमेशा याद रखिएगा जो 38 है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो यहाँ 2 है डिवाइजर और 38 है डिविडेंड। ठीक है, अब इससे जो आंसर आएगा वो होगा क्वेश्चंट। तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी बड़ा वाला नंबर होता है वो डिविडेंट होता है, और छोटा नंबर रहेगा वो डिवाइजर रहेगा। फिर अगर इस तरीके से डिवाइड करने के लिए आपको आता है तो आपको सिर्फ यही लिख के आएगा कि 38 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको अब क्या करना है, इस तरीके से ऐसे हमें लिखना होता है। ठीक है, ये जो बना है ना ऐसे, ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो डिवाइजर को हम बाहर लिखते हैं, डिविडेंड को अंदर लिखते हैं, और जो भी आंसर आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जिसे क्वेश्चन बोलते हैं। तो डिवाइजर बाहर रहेगा, डिविडेंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा और टॉप पे क्वेश्चन रहता है। तो चलिए 38 डिवाइडेड बाय 2 इस एग्जांपल से सीखते हैं कि लॉन्ग डिविजन मेथड में कैसे डिविजन करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो हमने डिवाइजर बाहर लिखा, डिविडेंड को अंदर लिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ ऊपर में टॉप पे अपना क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पे ये सॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 बाहर लिखा, और उसके लिए हमें टेबल्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं डिवीजन के लिए, तभी हम कर पाएंगे डिवाइड। इसीलिए डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का, मतलब टेबल्स का रिलेशन होता है। तो 38 लिखा है डिवाइडेड बाय 2। अभी अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप सीधा बता सकते हैं कि 2 में 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाता, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर लिया जाता है। और जैसे हम एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं ना, हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, मतलब इधर से। चाहे एडिशन करना हो, वंस की प्लेस से सब्स्ट्रैक्शन करना हो, वंस की प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करना हो, वंस की प्लेस से, लेकिन
डिवाइड करते समय हम वंस की प्लेस से नहीं, हम उसके बाद से, चाहे टेंस हो या हंड्रेड्स हो, जो भी बड़ी पोजीशन होती है उस साइड से, मतलब हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं और बाकी समय हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें फर्स्ट लेफ्ट साइड से शुरू करना है। तो यहाँ टेंस में है, थ्री है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ जो नंबर है, सो यहाँ हमें फर्स्ट नंबर को चेक करना है कि जो डिवाइजर में नंबर है उससे ये नंबर बड़ा है कि छोटा है। अगर ये नंबर छोटा होगा तो हमें ये दोनों डिजिट को इससे इसके टेबल में देखना होगा, लेकिन अभी यहाँ जो नंबर है वो इससे बड़ा है, मतलब थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो हमें ये सिंगल डिजिट में ही करना होगा। तो अब हमें टू का टेबल बोलना है। टू के टेबल्स को हमें तब तक बोलना है जब तक हम टू के टेबल में थ्री नहीं आ जाता, या फिर ठीक थ्री से पहले वाला कोई छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो जैसे टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर, तो फोर जो है वो थ्री से बड़ा हो गया। तो अब फोर बड़ा हो गया तो इससे बिफोर का नंबर लेंगे। तो बिफोर क्या था, टू वन्स आर टू, तो हम जो मल्टीप्लिकेशन किए ना वन्स आर, उसे हम ऊपर लिखेंगे। वन हमने ऊपर लिखा और उसका जो आंसर आया वो हम नीचे लिख देंगे, टू वन्स आर टू। तो हमने यहाँ टू लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम टू को थ्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया वन। अब इस वन को देखेंगे, वन जो है वो क्या है, वन जो है वो टू से छोटा है, वन जो है टू से छोटा है, तो वन इज स्मॉलर देन टू, सो वी कांट, ठीक है, तो इससे सब्सट्रैक्ट होगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है उसे ब्रिंग डाउन करना है, मतलब वन के बगल में लेकर आना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर था हमारा एट, तो इसे हम ब्रिंग डाउन करेंगे जस्ट वन के बगल में, ठीक है। देन वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, तो हमने नेक्स्ट नंबर जो हमारा एट है उसे हम वन के नेक्स्ट लेकर आए। अब यहाँ पे हमारा टू डिजिट नंबर बन गया, तो अब ये टू डिजिट नंबर बन गया, ये 18 बन गया। तो अब हमें टू के टेबल में देखना है कि 18 कितने टाइम्स पे आता है। सो हम टू की टेबल स्टार्ट करेंगे, तो टू 9 टाइम्स में 18 आता है, 18 टू 9 टाइम्स में, टू नाइन्स आर 18, तो हम लिखेंगे टू नाइन्स आर 18, ठीक। तो हमने 18 लिख दिया। अब इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, सो आवर आंसर इज 0। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया, मतलब कुछ भी लेफ्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा 38 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर 2 इज अ डिवाइजर, 38 इज अ डिविडेंड, 19 इज अ क्वेश्चेंट एंड 0 इज अ रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है लॉन्ग डिविजन मेथड में डिविजन। तो हियर आर सम एक्सरसाइजेस, तो उसे हम शुरू करते हैं, ठीक। तो फाइंड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको उस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बना के दिया है, बस आपको उसे सॉल्व करना है, मतलब डिवाइड करना है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ 14 दिया था और 2 से डिवाइड करना, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे 1 था और 1 इज स्मॉलर देन 2, सो वी कांट, ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्ट, सो हमको यहाँ पे 14 भी लेना पड़ा। तो अब हम टू डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 के टेबल में 14 कब आता है वो देखा, 7 आया, 2 7 14, इसलिए लिखा। और ऊपर वाले केस में क्या था कि जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो बिगर देन था, ठीक है, ग्रेटर देन था हमारे डिवाइजर से, इस वजह से हमने सिंगल डिजिट से शुरू किया था। अगर फर्स्ट नंबर हमारा स्मॉलर देन डिवाइजर है तो हमें टू डिजिट लेना पड़ेगा,
तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, सो 2 इज स्मॉलर देन 3। ठीक, तो अब 2 इज स्मॉलर देन 3 तो इसे हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अब इसका नेक्स्ट डिजिट भी लेना पड़ेगा। तो मतलब अब हम 27 को 3 से एक साथ ही डिवाइड करेंगे। तो अब 3 के टेबल में कब आता है, क्योंकि स्मॉलर नंबर 3 के टेबल में जिसका जो भी डिवाइजर अगर उससे स्मॉलर दिया तो उसके टेबल में नहीं आएगा, इसीलिए अब 2 डिजिट लेना है। तो 3 9 जार 27, आपको 3 का टेबल बोलते जाना है। ठीक है, जहाँ पे जाके वो नंबर आ जाए या उससे बिफोर का नंबर आ जाए उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। जैसे 3 9 जार 27, तो 3 9 जार 27, 3 9 जार 27, इसे हमें करना है सब्सट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर आया 0, डिवाइजर है 3, डिविडेंड है 27 एंड क्वेश्चन है 9। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइजर है 6, डिविडेंड है 36 और क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन है, डिवाइजर बड़ा है तो इनको दोनों नंबर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। 6 6 आर 36, तो इसे सब्सट्रैक्ट करिए, ये 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस है, फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो फर्स्ट डिजिट है 4, तो 4 इज स्मॉलर देन 8, सो तो हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि 4 8 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब हमें बड़ा डिजिट लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों डिजिट को कंसिडर करना है। तो अब हमें 48 कंसिडर करना पड़ेगा, तो अभी हमें 8 के टेबल्स में देखना पड़ेगा कि 48 कब आता। तो 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48, तो 8 6 आर 48, तो अब हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 6। तो सिमिलरली अभी हमें यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 6 है फर्स्ट डिजिट देखिए और यहाँ 10 है, तो यहाँ पर भी ये स्मॉलर है डिवाइजर से, तो हमें दोनों नंबर को कंसिडर करना है। अब हमें 60 देख रहा है कि 10 के टेबल में कब आता है, तो 10 6 आर 60, तो यहाँ पर भी आ गया 0। अभी इधर पे देखना है 5 और यहाँ 45 है, तो फर्स्ट डिजिट है 4, तो 4 इज स्मॉलर देन 5, सो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। अब हमको इन दोनों डिजिट को लेना पड़ेगा, तो 2 डिजिट नंबर देखना पड़ेगा, 45 देखना पड़ेगा। तो 5 के टेबल में 45 कब आता है, 5 9 जार, मतलब 9 टाइम्स पे आता है 45। इसे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ गया 0। तो ये वो केस थे जिसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर डिवाइजर से छोटे थे, तो हमें दोनों डिवाइजर के बाद वाले नंबर को भी एक साथ कंसिडर करना पड़ा, मतलब हम 2 डिजिट नंबर को एक साथ हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा। अब यहाँ पे जो हम करेंगे उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट डिजिट को देखना, अगर फर्स्ट डिजिट छोटा है डिवाइजर से तो नेक्स्ट डिजिट को लेकर आप चलेंगे, और अगर बड़ा है तो फिर आप आगे उसके जो भी डिवाइजर है उसके टेबल्स को बोलेंगे जब तक फर्स्ट नंबर नहीं आ जाता। फिर सेकेंड स्टेप होता है हमें सब्सट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आया उसके बाद अगर वो छोटा है तो हमें फिर नेक्स्ट नंबर को उसके बगल में नीचे उतारना पड़ेगा, उसके बाद हमें फिर डिवाइजर का टेबल बोलना पड़ेगा, और अगर बड़ा आया तो वापस से आप जो भी डिवाइजर उसका टेबल बोलिए और करिए, फिर लिखेंगे आप, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर आखिरी तक आप डिवाइड करने के बाद कुछ ना बचे या कुछ बच जाए और फर्दर डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसमें कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम ना वो वाला लॉन्ग डिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी
कि हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका लेफ्ट होगा। तो अभी हम ये वाला करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट आप कंसिडर करिए फर्स्ट नंबर को, तो यहाँ पे लिखा है 68। अब 6 देखिए, अब जो 6 है वो डिवाइजर से क्या है, बड़ा है। 6 इज ग्रेटर देन 2, तो वो इजिली यहाँ से इसकी टेबल में आ जाएगा। तो 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6। 2 3 टाइम्स पे आता है 6। फिर हमारा सेकंड स्टेप है इसे सब्सट्रैक्ट करना, 6 किया 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 है वो तो इसके टेबल पे आएगा नहीं, छोटा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर को नीचे ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 8 है, तो हमें यहाँ पे 8 को ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। फिर अब हमें 8 को 2 की टेबल में लाना होगा। 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 फोर्स आर 8। तो 4 टाइम्स 2 के टेबल में 8 आता है, 8 आता है, अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 8 है 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। हमारा क्वेश्चन 34 है, डिविडेंड 68 है एंड डिवाइजर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, 80 और डिवाइजर 5 है, तो यहाँ पे 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5। सो अभी हम सिंगल डिजिट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, फर्स्ट हम 8 को कंसिडर करेंगे। तो 5 का टेबल बोलिए, टेबल्स तब तक बोलने हैं जब तक या तो वो नंबर ना आ जाए या ठीक उसके पहले का नंबर है, उससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे ही उससे बड़ा नंबर आया आपको टेबल को स्टॉप कर देना है और वन स्टेप बिफोर का वन स्टेप पीछे जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 वन्स आर 5, 5 टूज आर 10, जो तो मैंने बोला 10, अब 10 जो है वो 8 से बड़ा होता है, तो मुझे एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो एक स्टेप पीछे क्या हुआ, 5 वन्स आर 5, क्योंकि 5 टूज आर 10 था वो बड़ा था 8 से, तो ठीक उससे एक बिफोर का स्टेप आए हम, तो 5 वन्स आर 5, 5 वन्स आर 5, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 5 इज 3, अब यहाँ जो 3 है वो 5 से छोटा है, 3 इज स्मॉलर देन 5, तो ये फिर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे लेके आएंगे 0, तो इट बिकम 30। अब 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 आर 30, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 6 टाइम करने पे 30 आता है। फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0। अभी सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर है 5, तो 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हम अब 4 का टेबल बोलना शुरू करेंगे। 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो वन स्टेप हम पीछे जाएंगे। तो 4 टूज आर 8 था, तो वन स्टेप पीछे है, 4 वन्स आर 4, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और फिर 5 माइनस 1 क्या हुआ, 5 माइनस 4 क्या हुआ, 1 हुआ। अब 1 इज स्मॉलर देन 4, 1 इज स्मॉलर देन 4, तो फिर स्टेप फॉलो नहीं होगा, फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 2, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे जस्ट उसके बगल में, तो बन गया ये 12। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, 4 थ्रीज आर 12, तो आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 थ्रीज आर 12। जैसे हमने 12 लिखा तो हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है और 12 माइनस 12 इज 0। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग डिविजन मेथड करना है जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अभी मैंने ये बताया जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर डिवाइजर से और हमेशा रिमाइंडर 0 रहता है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिवाइडिंग विथ अ रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिवाइडिंग विथ अ रिमाइंडर। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।